पानीपत में फिर से रिश्ते तार तार हुए हैं। पत्नी पर अपने जीवन साथी की हत्या के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जींद के गांव खांडा निवासी सोमपाल अपनी पत्नी से झगड़ा होने के बाद से घर से 21 फरवरी से लापता था, जिसका शव पुलिस ने पानीपत के गांव उरलाना के पास बरामद किया है। सूचना पाकर परिजन पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचे और आरोप लगाया कि सोमपाल की अपनी पत्नी के साथ अनबन रहती थी, जिसके चलते नाराज पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। बता दें मृतक सोमपाल लुधियाना में हौजरी का काम करता था और पत्नी से झगड़ा होने के बाद से ही 21 तारीख से लापता था। वहीं परिजनों ने मृतक युवक की पत्नी पर कई अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत हत्या करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच अनबन रहती थी, जिसके चलते पत्नी ने हत्या करवाई। परिजनों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर शव पड़ा होने की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में रखवा दिया है। परिजनों ने वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। हाँ जी, बताइए कौन से गांव का मामला है और क्या ये मामला है? सर, ये गांव खांडा से मैं हूँ, मेरा नाम राकेश है और ये मामला असंध सेक्टर 10 का है। और असंध सेक्टर 10 में मेरे भैया रहते हैं जो मेरे ताऊजी के लड़के। हमें सूचना मिली कि वार्ड 10 है, सॉरी, हमने सूचना मिली थी कि हमारे भाई साहब 21 फरवरी को गायब हुए हैं और वो कहीं पे लापता हैं। उनके बाद हमें ये सूचना मिली 1 तारीख को जी, किसी कॉल के, अनजान कॉल के थ्रू उन्होंने फेसबुक पे देख के हमें कॉल किया। ये सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी उरलाना नहर के पास, जो सफीदों से उरलाना को और गोहाना को रोड जाता है, उस पर कोई डेड बॉडी फेंक के गया है जी। और डेड बॉडी मिलने के बाद हमें पता लगा कि उसकी किसी ने हत्या की हुई है। किसी को शक है आपने? ये जी, जो उनके घरवाले हैं उन्होंने खुद कबूला है कि हमने इसकी हत्या की है और उसके साथ और भी अन्य लोग हैं 1-2 जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हम पुलिस से चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन और जाँच की जाए और सब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कितनी उम्र थी इसके, क्या काम करता है? ये मेरे भाई का नाम सोमनाथ है और उनकी उम्र थी 42 साल और वो लुधियाना के अंदर हौजरी का काम करते थे। आपका क्या नाम? मेरा नाम राकेश। क्या कारण क्या रहा है, आपको क्या लगता है किस वजह से ये हत्या की गई है? सर, कोई ये मेरी भाभी की और मेरे भाई की अनबन रहती थी, उस करके भाभी जी ने किसी के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाई। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।